ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर ये, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है, इस मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी गंभीर हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। आपको बता दें कि लंबे समय से न्यूनतम पेंशन, मासिक पेंशन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे लाखों संगठनों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल जो है आपके पेंशन धारकों के संगठन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी NAC ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया और इस मामले को लेकर पीएम मोदी भी गंभीर हैं। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शब्द जो है EPS 95 पेंशनर्स की सारी मुसीबतों का, सारी समस्याओं का समाप्त कर सकती है अगर पीएम मोदी जी गंभीर हो गए इस मुद्दे को लेकर। ये वो देश के मुखिया हैं, निश्चित तौर पे उनकी बातें जो है वो सबसे ऊपर हैं। वो एक बार कहेंगे, निश्चित तौर पे इस पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, चाहे संस्थाएं हो या फिर सिस्टम हो। इससे पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि पेंशन को लेकर एक्शन मोड में है मोदी सरकार, 78 लाख लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसमें आपको बता दें जो मांगे हैं मुख्य रूप से वो देख सकते हैं, यहाँ पर 7,500 रुपये की मांग की जा गई है, न्यूनतम पेंशन को 7,500 किया जाए और सरकार जो है से अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा भी दिया है। मैं आपको आगे बताऊं कि पेंशन भोगियों के निकाय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जो कि मनसुख मांडवीय जी हैं ने उनकी प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस दौरान श्रम मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। आपको बता दें कि EPS 95 योजना में करीब 78 लाख जो है पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग लगातार उनकी है, जो जायज मांग है और जो लंबे समय से चली आ रही है। ये बैठकें सरकार के बीच में ये हलचल, ये बैठक का दौर क्यों शुरू हुआ, इसमें हुआ ये कि मनसुख मांडवी के साथ बैठक में दिल्ली में EPS 95 NAC के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई है। जो विरोध प्रदर्शन इन्होंने आंदोलन किया उसके बाद से बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जिसके विभिन्न संस्थाओं से आए सदस्यों ने यहाँ सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया, 1450 रुपये के औसत मासिक पेंशन के बजाय अधिक पेंशन दिए जाने की मांग की है। निकाय ने कहा कि लगभग 36 लाख पेंशनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये से भी कम जो है पेंशन मिल रही है वर्तमान में। समिति के अध्यक्ष हैं आपके अशोक राव जी, जो कि कहते हैं कि श्रम मंत्री मनसुख मांडवी ने हमें पूरा भरोसा दिया कि हमारी सरकार हमारी समस्याओं का समाधान खोजने में गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं का हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि नियमित पेंशन कोष में लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन करने के देने के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। मौजूदा पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपति का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अशोक राउत ने आगे कहा कि NAC ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सकीय सुविधा शामिल की बात कही हो। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और अधिक पेंशन का पूरा करने का समर्थन का आश्वासन जो है उन्होंने दिया है, यानी विपक्ष के लोगों ने भी मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मांगें पूरी करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी, मैंने आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब ये सब चीज़ की देखिए आप, ये सब चीज़ें जो हैं अभी शुरू हुई हैं, अब कितने देर में और कितने समय में निष्कर्ष निकल के आता है, कोई हल या सोल्यूशन निकल के आता है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है और कितनी सक्रियता सरकार के इस मैटर को लेकर है इसमें निर्भर करता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार जो है इस विषय को लेकर गंभीर है और भरोसा दिया है कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उनका एज काफ़ी अधिक है, उनके लिए हर एक साल, हर एक महीना जो है काफ़ी कीमती है। तो जितनी जल्दी उनको रिलीफ मिल सके उतना ही उनके लिए ये अच्छा रहेगा। अब मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा, जो आप लोगों का कमेंट मुझे मिला था मैं उसको एक लेना चाहूँगा और उस पर एक जवाब देना चाहूँगा। दोस्तों ये एक कमेंट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप देख सकते हैं, मैं समझता हूँ उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया कि यह तो मैं भूल ही गया कि 2013 में कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट आई थी और जो कि कांग्रेस ने ही बनाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि EPS 95 पेंशनर्स की वर्तमान में महंगाई भत्ता के हिसाब से 3,000 प्लस DA आज के हिसाब से दिया जाए। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे लागू नहीं किया तब राहुल गांधी जी ने भी, उसी कांग्रेस के सदस्य हैं या कहीं कहीं कहिए कि कांग्रेस के राजकुमार हैं या कहिए चोरों के सरदार हैं, यह सब यह कब चाहेंगे कि कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, बस यही कहना
है कि राहुल गांधी से हम बुजुर्ग लोगों को कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो इनकी एक बातें थी जो कि मैं समझता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातें अपनी जगह है। और एक बात यहाँ पर ये समझने वाली बात है दोस्तों कि चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, अगर अगर किसी मुद्दे पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डलवाना है सरकार के ऊपर, तो निश्चित तौर पे वो उसका इम्पैक्ट जो है लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कांग्रेस पार्टी उठाती है तो उसका एक गंभीरता परिणाम जो है देखने को मिल सकता है सरकार के ऊपर। खैर ये अपनी इनकी राय थी, जो इसके आपके ऊपर क्या राय होंगे वो आप कमेंट में दीजिएगा, जो भी आपके राय होंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों, जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को याद दीजिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।